यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। प्रदेश को 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा स्टेट बैंक को अहमदाबाद भेजा गया था, जहां से प्रदेश को 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऊर्जा सचिव राधिका झा के नेतृत्व में UJVN लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप सिंगल व UPCL के प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल ने सामाजिक दायित्व निर्वहन योजना के अंतर्गत राज्य में कोविड एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने हेतु 7,64,91,752 रुपए के चेक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से मुख्यमंत्री तीरथ रावत को भेंट किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया है। कुंभ खत्म होती हरिद्वार रोड की लक्सर भगवानपुर में आज से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी, वहीं सब्जी, दूध, राशन, शराब की दुकानें 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। चंबा बाजार में 2 बजे के बाद आवश्यक सेवाओं की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पेंट से चंबा नगर पालिका ने गोले बनाए, जिसमें पालिका के अधिशासी अधिकारी स्वयं अपने सुपरविजन में कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें, पालिका के अधिशासी अधिकारी शांति जोशी के दोस्त की तरह रहने वाले साले का कोरोना से कल देहांत हो गया था। उसके बावजूद अधिशासी अधिकारी स्वयं मौके पर रहकर काम करवा रहे हैं, जो उनके काम के प्रति समर्पण भाव एवं ईमानदारी को दर्शाता है। राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए फिर लिया फैसला। अब 1 मई तक रहेंगे सारे ऑफिस बंद, केवल जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर रहेंगे खुले। पिथौरागढ़ में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौहान ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर कोविड के उपचार के रोकथाम और मेडिकल व्यवस्थाओं का लिया जायजा। प्रदेश में कोरोना कैद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक रिकॉर्ड 5,703 लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि महामारी के कारण करीब 96 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,62,562 हैं, जिसमें सर्वाधिक 2,218 कोविड मरीज देहरादून से मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 1,024, नैनीताल में 848, उधमसिंह नगर जिले में 397, उत्तरकाशी में 242, चमोली में 214, टिहरी में 204, अल्मोड़ा में 189, पौड़ी में 132 और पिथौरागढ़ में 98 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी न रहे, इसके लिए आपदा की घड़ी में स्थानीय व्यापारी चिंटू मटूड़ा ने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति का जिम्मा उठाया है, जिसमें वह प्रति सिलेंडर पर 250 से 300 रुपए स्वयं खर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में संसाधनों की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए वह गत वर्ष भी करीब 1.5 लाख की धनराशि जिला अधिकारी को सौंप चुके हैं। उनके इस कार्य की लोगों ने प्रशंसा भी की है। पैसे का कुछ नहीं मिलना चाहिए, चाहे हमें अपनी मतलब पॉकेट से देना पड़े, लेकिन स्टिल हम एक नेगोशिएट प्राइस में उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग सीरियसली रखे जो वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं, और कुछ लोगों को लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन देनी पड़ी है। तो हमारी जो ऑक्सीजन की खपत है वो बढ़ गई है। पहले जहाँ हमारी पर डे जो है वो 10 या 12 क्यूबिक मीटर जो है वो ऑक्सीजन लगती थी, अब हमारी वो बढ़ करके 155 तक। उत्तरकाशी जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाजार में अपराहन 2 बजे के बाद अनावश्यक मानवीय आवागमन को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने स्थलीय निरीक्षण का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने बाजार में अनावश्यक घूमने लोगों का चालान भी काटा। देखिए, कोरोना के बढ़ते केसेस के क्रम में जरूरी है कि हम जो नियम है हमारे उनका पालन करें। तो इसी क्रम में आज मार्केट का जो हमारा एरिया, जहाँ पर ऐसी सूचना मिल रही थी कुछ दुकानें या 2 बजे के बाद भी खुल रही थी या अनावश्यक रूप से कई लोगों की भीड़ लग रही थी, तो आज मैंने और हमारे SP साहब ने देखा है मौके पर और कई लोगों के चालान भी काटे हैं, और ये सख्त हिदायत दी गई है कि जो हमारे नियम कानून बने हैं उसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें। सरकार के आदेश के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को अब कोविड-19 के टीके लगेंगे, जिसके लिए प्रशासन को टीका सेंटर की जरूरत पड़ेगी। इसी को लेकर यूके लाइव ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जाना प्रशासन की तैयारियों के बारे में। इस समय जो है जो भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं, तो जो यहाँ पर लोग हैं और जिनके पास जगह की व्यवस्था है, उनको हम कोरोना उसका प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गाइड कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है, और उनको वहीं पर किट होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड की जा रही है, वहीं पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और जिन लोगों के पास इतना जगह नहीं है, जो बाहर से आए लोग हैं, उनको CCC में रखा जा रहा है, और हम लोगों ने अभी CCC में बेड्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है, तो CCC में उनका इलाज हो रहा है। जिनको चिकित्सीय एडमिशन की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग SDH हॉस्पिटल में जनरल नगर में एडमिट किया जा रहा है। मैम, अभी देखने में आ रहा है कि 18 वर्ष से ऊपर को भी जो है टीकाकरण होने जा रहा है, उसमें क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है हॉस्पिटल में, तो उसमें क्या व्यवस्थाएँ होंगी आगे के लिए?
नहीं, 18 से जो हमारे 18 प्लस लोगों को किया जा रहा है उसमें हम लोग कुछ साइट से जो है 11 से 12 साइट हमारी जंबो साइट तैयार की जा रही है जो बड़े बड़े हॉल्स में जहाँ पर है, जैसे उसके लिए कुछ कॉलेजेस लिए गए हैं और पंचायत भवन या ब्लॉक स्तर की जो ऑफिस है वहाँ पर लिए गए जहाँ पर ज़्यादा हमें स्पेस मिल सके, और उसके अलावा भी हमारी जो सेशन साइट चल रही है तो वो चलती रही। कोरोना संक्रमण के भय से सरकार ने जहां सारे दफ्तर बंद करा रखे वहीं आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तर खुले हैं और इनके कर्मचारी जन सेवा में तन मन से लगे भी हैं, परंतु सरकार ने अभी तक इनको कोरोना वायरस नहीं माना है, जिस कारण फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ स्टाफ कर्मचारियों को सरकार से जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही और न ही इन्हें कोविड टीका लगाया गया। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।